नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गलेक्सी S20 FE 5G फ़ोन के बारे में। दोस्तों इस फ़ोन में फिर से देखिए एक नया अपडेट आ चुका है जी। मेरे पास सैमसंग गलेक्सी S20 FE 5G वाला फ़ोन है और दोस्तों देखिए इसमें आया है एक नया अपडेट, ये देखिए। दोस्तों मैं आपको इस अपडेट के बारे में दिखाता हूँ। और दोस्तों आपने देखा होगा कि मेरी ज़्यादातर अभी ये वीडियो आ रही हैं वो अपडेट के ऊपर ही आ रही हैं, वो इसलिए क्योंकि मुझे दोस्तों वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो ये छोटी मोटी वीडियो बनाता रहता हूँ अपडेट वगैरह की। तो दोस्तों देखिए ये जो अपडेट है ये 215 MB का है सिर्फ, जिसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं मिलना, सिर्फ आपको मिल रहा है सिक्योरिटी पेज लेवल 1 अप्रैल का। अभी दोस्तों मई लग चुका है तो 1 अप्रैल का सिक्योरिटी पेज लेवल इसमें दे दिया गया है। दोस्तों फ्लैगशिप फोन जो होते हैं इनमें हमें यही सी अच्छी देखने को मिलती है कि हमें जो सिक्योरिटी पेज लेवल होते हैं उसके अपडेट टाइम पर मिलते रहते हैं हर मंथ के। और दोस्तों हमें इसमें एक दो चीज़ और भी ऐड होकर मिली हैं, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों देखिए इससे पहले एक अपडेट आया था दोस्तों 4.1 का, वन UI 4.1 वाला, जो कि दोस्तों 1 GB से ऊपर का था। तो दोस्तों उसमें कुछ एक तो बक्स आ रहे थे जिससे हमारा फ़ोन थोड़ा लैग कर रहा था और थोड़ा हीट भी हो रहा था। वैसे भी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा हीट भी हो रहा था। तो दोस्तों इस अपडेट में सिक्योरिटी पेज लेवल के साथ साथ वो जो बक्स वगैरह थे वो भी फिक्स कर दिए गए हैं। जब आप इस अपडेट को कर लोगे तो आपके फ़ोन के जो बक्स हैं दोस्तों, ये छोटे मोटे हीटिंग वाले और लैगिंग वाले दोस्तों, ये फिक्स हो जाएंगे। तो आप फटाफट से इस अपडेट को कर सकते हो। और सैमसंग की दोस्तों मुझे यही बात अच्छी लगती है कि सैमसंग हमें अपने फ्लैगशिप फ़ोनों में टाइम पर अपडेट देता रहता है, चाहे दोस्तों आपका फ़ोन एस सीरीज का हो या फिर हो ए सीरीज का, आपको टाइम पर अपडेट मिलते रहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।